हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? सो गाइज, टाइटल पढ़ के आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। यस गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। सो गाइज, मैंने अपने लिए purple.com से कुछ प्रोडक्ट बाय किए हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो आपको हेल्प मिलेगी उसे लेने में। एंड अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो मे बी आपको उसकी हेल्प मिलेगी। एंड अगर ये मेरा पर्पल हॉल थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एंड मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट अपने लिए बाय किए हैं, थोड़े स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, थोड़े हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, एंड थोड़े मेकअप के लिए रिलेटेड प्रोडक्ट है। एंड कुछ प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस हैं, एंड कुछ जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड प्रोडक्ट है, उस मुझे ज़रूरत थी उन प्रोडक्ट की, इसलिए मैंने उन्हें बाय किया है। आई होप आपको ये पर्पल हॉल पसंद आए। एंड चलिए फटाफट देख लेते ये पर्पल हॉल। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो माइंड मत करना, ज़रूर देखना। एंड अगर ये मेरा पर्पल हॉल अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एंड गाइज, और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जो बॉक्स है मैं अनबॉक्सिंग करने वाली थी इसकी, लेकिन मेरे जो घर वाले उन्होंने इसे खोल दिया तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट उन्होंने खोले, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने बिल्कुल भी खोले नहीं है। तो चलिए देख लेते ये क्या प्रोडक्ट है, एंड फटाफट देख लेते कि ये पर्पल हॉल क्या है। आई होप आपको पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देख लेते हैं हम क्या मंगवा रहे हैं। आप देखो गाइज, पहले इतने सारे प्रोडक्ट अपने लिए परचेस किए हैं, अब आप बोलोगे कि इतने प्रोडक्ट परचेस किए, ये तो बड़ा हॉल होगा या छोटा, आप डिसाइड करो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो पर्पल हॉल है वो छोटा है कि बड़ा है। आप देखो छोटा है कि बड़ा है, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, क्योंकि मुझे इसे पता नहीं है कि ये बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि जो छोटे होते हैं तो छोटे बॉक्स आते हैं, और बड़े होते हैं वो ह्यूज वाले आते हैं, यानी कि एक दो आते हैं वो तो ह्यूज होता है ना। तो इतना सा है मेरा, अगर आपको लगे ये बड़ा है छोटा है आप समझो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बड़ा हॉल है कि ये छोटा हॉल है, ज़रूर करना कमेंट। एंड चलिए देख लेते हैं। एंड एक मिनट गाइस, ये लेना था मुझे कैची। कुछ प्रोडक्ट उन्होंने मेरे परिवार वालों ने, यानी कि मेरे फैमिली ने खोले या कुछ नहीं खोले, इसलिए मैंने ये कैची लाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। मैंने अपने लिए DIYs बनाने के लिए नहीं लगते, DIYs बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी या फिर बहुत सारी, तो वो दिखा देती हूँ पहले। तो सबसे पहले ये है मुल्तानी मिट्टी। मेरे पास मुल्तानी मिट्टी थी, लेकिन ये ना मुझे बहुत सारे डिस्काउंट में मिल गई। आई थिंक ये कितने का है, देखो 100 रुपीज़ का है, मुझे आई थिंक ये 50 या 56 रुपीज़ में मिल रहा था डिस्काउंट में मिल रहा था। सोचा इसे परचेस करती हूँ, फिर बाद में मुझे कहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है, मिलेगा तब देखूँगी। लेकिन 56 रुपीज़ का। एक मिनट ना, मैं दिखा आपको इसका जो क्या बोलते हैं वो बिल देखती हूँ, यहाँ पे है। नहीं है गाइस, सॉरी गाइस, वो कहीं पे मेरे घर वालों ने रख दिया होगा। चलिए तो बता देती हूँ, ये आई थिंक 50 रुपीज़ का मुझे मिल गया था, 50 या 56 रुपीज़ का। तो ये कितना ग्राम का है, ये 250 ग्राम का है ये। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया था। तो ये मुल्तानी मिट्टी है, आप सबको पता है कि मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है, एक्ने को श्रिंक करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो DIYs बनाने के लिए मैंने इसे बाय किया है, इतना बड़ा पैकेट है ये। ओके, एंड प्लीज़ गाइज माइंड मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ ज़रूर देखना। चलिए देख लेते नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो इसे मैं नीचे रख देती हूँ। एंड सेकेंड प्रोडक्ट मैंने अपने लिए बाय किया है, ये कलौंजी पाउडर है। कलौंजी पाउडर आप सबको पता है, कलौंजी आई थिंक वो प्याज के बीज होते हैं, प्याज के जो बीज होते हैं वो कलौंजी होती है। आई थिंक ये मुझे मिली नहीं रही थी कलौंजी, हमारे यहाँ मिली नहीं रही थी, तो मुझे पर्पल पे ये दिखी कलौंजी पाउडर। ये बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने अपने लिए परचेस किया, ये कितने की है, 95 रुपीज़ की है। ये मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी, 55 या 56 आई थिंक, मुझे पता नहीं कि ये मुझे मिल गई थी, ये कलौंजी पाउडर है। ये इसका मैं हेयर फॉल कंट्रोल टाइप बनाने वाला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड नेक्स्ट गाइज, मैंने अपने लिए बाय किया है नीम पाउडर।
गाइज मुझे ना डी आई वाइज बनाने हैं और एक डी आई वाई फेस पाउडर भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये अपने लिए मंगवाई है purple.com से। एंड ये 150 ग्राम की है एंड ये 95 रुपीज़ की है, लेकिन डिस्काउंट में मिल गई थी 30% या 40% फ्लैट में मुझे ये मिल गई थी। तो ये नीम पाउडर है, मैंने अपने लिए बाय की है। एंड गाइज देन मैंने बाय किया है वाइल्ड टर्मरिक। देखिए गाइज वाइल्ड टर्मरिक आई थिंक ये कस्तूरी मंजन टाइप कुछ है, मुझे इतना पता नहीं है, जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब पता चलेगा। वाइल्ड टर्मरिक जब हम यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत ही बेनिफिशियल तो होती है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर पीला पीला नहीं छोड़ देती, पीला पीला लगता है ना। हम जैसे नेचुरल घर की टर्मरिक यूज़ करते हैं तो वो फेस के ऊपर पीला पीला क्या बोलते हैं यार, पीला कलर छोड़ देती है, तो ये मुझे लगता है ये नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा इसे बाय करूँ। एंड ये अफोर्डेबल है, 99 रुपीज़ का ये पैकेट है, ये भी मुझे फ्लैट में मिल गया था तो इसे मैंने बाय किया है। तो इसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पाउडर में इसे। इसके बाद ये ऑरेंज पील पाउडर है, इसे मैंने अपने लिए ही मंगवाया है इसे DIY बनाने के लिए। ये 50 ग्राम की है, ये है 75 रुपीज़ की, बहुत ही अफोर्डेबल है 75 रुपीज़ भी, और उस पर मुझे 40% ये डिस्काउंट में मिल गई थी, तो ये मैंने अपने लिए बाय की। एंड गाइस याद रखना, याद क्या रखोगे, मैंने सब प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। एंड और हाय गाइस, मैंने ये मेकअप तो क्रिएट किया है, मैंने सिर्फ अपने बालों को टाई किया है क्योंकि वो खुले बाल मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहे थे, तो मैंने अपने बालों को तो टाई किया है, लेकिन इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है और विदाउट एनी फाउंडेशन एंड विदाउट एनी कंसीलर। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर देना। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ये तो गया। ओके गाइस, तो इसकी हालत इस तरह से है, आप देखो ये मैंने अपने लिए, अरे निकल ले रहा है, ये मैंने अपने लिए लिवॉन का सीरम मंगवाया है, ये कट्स अवे फ्रिजी, ये फ्रिजी और ड्राई बालों के लिए है। एंड यस, ये फ्रिजी एंड ड्राई बालों के लिए है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये 150 रुपीज़ का है, मुझे मिला था 120 रुपीज़ में, तो मैंने अपने लिए बाय किया है, अफोर्डेबल लगा। एंड इसका जो पहला था वो मेरा ख़त्म होने आया है, आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। तो गाइज ये देखो, आप देख सकते हैं ये मेरा, मैंने न्यू अपने लिए बाय किया है, इसका मैं रिव्यू अपने चैनल के ऊपर ज़रूर डालूंगी अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो। एंड आप देखो ये गाइज, ये मेरा थोड़ा सा ही रह गया है, इधर देखो आप, ख़त्म होने आया है, तो इसलिए मैंने अपने लिए बाय किया। मुझे लिवॉन का सीरम बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई सीरम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिवॉन का सीरम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसे मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। और ये इतनी सी बॉटल आपको लगती है, लेकिन गाइज ये आराम से आपके 6 महीने तो चले जाएंगे, या मेरे तो जाते हैं, 6 तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन 3-4 महीने तो हमेशा चले ही जाते हैं ये इतनी सी बॉटल में, तो ये कहाँ कब तक टिकेगा अभी देखूँगी मैं, आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इसके बाद गाइज मैंने अपने लिए परचेस किया है, अभी ये क्या है, छोटी सा कट कर लूँ, सो गाइज ये है, हाँ ये इल्स 18 का वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है, इसे मैंने अपने लिए परचेस किया है, ये इसका मुझे, इससे मुझे यूज़ करना था एक्चुअली, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इसे यूज़ करना था, इसीलिए मैंने अपने लिए ये बाय किया है। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल के ऊपर ज़रूर डालूंगी, क्योंकि ये L18 का मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने वाली हूँ, तो इसका रिव्यू जो तो बनता ही है, मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी और इसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलिए गाइस नेक्स्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, तो चलिए गाइस नेक्स्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, ये इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है ना, निकालने में बहुत टाइम लगता है यार। तो ये है हिमालया का नीम फेस वॉश, प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है, प्रिवेंट पिंपल्स। गाइस अगर आपको सच्ची में अगर आपको एक्ने हो गए एंड कोई आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो मैं इसे ज़रूर आप
सबके साथ इसे शेयर करूँगी। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसे कब से यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिन, मतलब बहुत 2-3 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरी छोटी बॉटल थी वो ख़त्म हो गई, अब मैंने इसे बाय किया है, ये वो प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है, ये क्या है, ये स्टे किर्की का कंसीलर है आई थिंक, यस, ये स्टे किर्की का न्यूली लॉन्च कंसीलर है, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। एक मिनट, और एक है, देखती हूँ, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, ये मैंने अपने लिए बाय किया है। इसका जो शेड है वो सनसेट स्ट्रिपिन 3, ये इसका शेड है, ये मैंने अपने लिए बाय किया है। चलो फटाफट कर देती हूँ, ख़त्म करनी है वीडियो एंड जल्दी जल्दी। देन इसके बाद मैंने बाय किया है स्टे किर्की का चिकपी गर्ल ब्लश, कोरल शेड है इसका, कोरल चिक 5 इसका शेड है। एक बार इसे खोल के दिखा देती हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम खोली तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ना, तो खोलना तो बनता है ना, कहाँ से खुलता है। तो ये देखो कितना प्रिटी कलर है ना, ये कोरल कलर है। एंड मैं आपको इसके पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, मस्त है यार, अच्छा लगा। इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये न्यूली लॉन्च है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी इसके बारे में। एंड आप रिव्यू देख लो ना यार। अभी चलिए इसे, चलिए ये भी खोला है तो ये दिखा देती हूँ। ये गुड वाइब्स के टी 3 ऑयल कंट्रोल स्लिपिंग मास्क है, ये भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, आई थिंक ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। सो गाइज मैंने अपने लिए 2 बाय किए हैं, एक टी ट्री स्लिपिंग मास्क है एंड एक है पपाया स्किन ब्राइटनिंग स्लिपिंग मास्क है। तो मैं इसे पहले यूज़ करूँगी, देन इसके बाद आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये मैंने अपने लिए बाय किए, ये 2 बाय किए हैं, आई थिंक ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाई है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। देन इसे खोलती हूँ, चलो। तो गाइड्स ये मैंने अपने लिए मंगवाया ऑनियन का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू विथ कैरेटीन है, कॉर्न है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है इसके। थोड़े मुझे हेयर फॉल के प्रॉब्लम पहले हो रहे थे, अभी मैंने ना एक हेयर पैक घर पे ही बनाया है और इसे यूज़ करते हो ना तो मेरे हेयर फॉल कंट्रोल काफ़ी हद तक कम हो गए, मतलब मुझे हेयर फॉल ही नहीं हो रही है। तब मैंने अपने लिए इसे बाय किया है क्योंकि ये मुझे काफ़ी हद तक गुड रिजल्ट देगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू हैं। मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये इतनी बड़ी बॉटल मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी, ये मुझे आई थिंक 200 के आसपास मिल गई थी, तो इसलिए मैंने अपने लिए बाय किए है। एंड गाइज मैंने ना एक हेयर फॉल कंट्रोल के ऊपर हेयर पैक शेयर किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है ये हिमालय का नीम प्योरीफाइंग फेस मास्क है, यस हाँ, ये नीम प्योरीफाइंग नीम मास्क है यानी कि पैक है, ये ऑयली एंड नॉर्मल स्किन के लिए है। ये मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने बाय किया था, सच्ची में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसका रिव्यू ज़रूर डालूंगी अगर आपको एक्ने और पिंपल है तो ये मैंने अपने लिए बाय किया है। इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है ये सेकेंड कंसीलर है, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगी। ये नेचुरल लव 5 इसका शेड है, इसे मैंने बाय किया है। इसके बाद ये बेलाउस्ट का क्या है, हाँ ये बेलाउस का मस्कारा है, ये भी मुझे एक पे एक फ्री में यानी कि एक बाय करो तो सेकेंड फ्री ऐसा मिला है, तो ये मस्कारा बाय किया है। एंड ये आईलाइनर लिक्विड आईलाइनर ये बाय किया है, तो ये मैंने 2 बेलाउस के प्रोडक्ट बाय किए हैं। देन इसे खोल देती हूँ, देखती हूँ क्या है, देखो इस तरह से पैकेजिंग होके आती है, सॉरी। तो ये बाय किया है मैंने बायोटिक का बायो नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब, ये फेस स्क्रब बाय किया है। एंड गाइज आई थिंक ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मैंने इसे सर्च किया, पता नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये न्यूली लॉन्च है कि नहीं, मैं इसका ज़रूर रिव्यू डालूंगी। एंड गाइज हाँ, अगर आपको कौन से प्रोडक्ट के रिव्यू चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं सबके रिव्यू कर दूँगी। एंड चलिए ये मैंने अपने लिए बाय किया, ये बायोटिक का फेस स्क्रब है। देन इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है बायोटिक का बायो सैंडलवुड, ये सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन है 50+ SPF UVA UV, ये मैंने अपने लिए बाय किया है। ये मैंने
इसका रिव्यू अच्छा देखा इसलिए बाइक है, इसका भी रिव्यू डाल दूंगी। इसके बाद मैंने अपने लिए बाइक किया है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनजिंग फेस वॉश। ये ना एक्चुअली ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर से अगर आउट उनके स्टॉक में होगा तो फिर आया था, तो मैंने इसे अपने लिए बाय किया। एंड ये पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन में अगर आपकी स्किन ज़्यादा चिपचिप करती है ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन से जितने प्रॉब्लम है उसे निकाल देता है। तो इसका रिव्यू भी डाल दूंगी। एंड इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है बायोटिक का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये ग्लो सीरम है, इसे बाय किया है। एंड गाइज इसका रिव्यू बहुत ही मैंने सुनाया है, बहुत सारे यूट्यूबर है उन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा इसके बारे में बोला, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसे बाय करूं एंड आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूंगी। एंड ये प्रोडक्ट मैंने अपने लिए गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम बाय किया है। तो ये तो अब देखिए इसमें क्या है। सो गाइज मैंने अपने लिए बाय किया है गुड वाइब्स का 100% प्योर एसेंशियल ऑयल, और ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है। गाइज मुझे आपके साथ एक विटामिन सी सीरम शेयर करना है, इसलिए मैंने अपने लिए ये मंगवाया है। अगर आप विटामिन सी सीरम लेने जाओ तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो सोचा कि घर पे ही DIY बना के आपके साथ शेयर करूँ तो आपको भी हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने अपने लिए बाय किया है, ये ऑरेंज 100% प्योर एसेंशियल ऑयल है, ये बाय किया है। देन इसके बाद मैंने बाय किया है नीम प्यूरिफाइंग स्क्रब। अगेन अगर मैं बोलूँ तो ये एक्ने पिंपल्स पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे मैंने बाय किया है। एंड आई होप आप सबके पास हिमालय के सारे प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि हिमालय के प्रोडक्ट हर्बल होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो ये अपने लिए बाय किया है। देन गाइस उसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया हिमालय का एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। देखिए गाइज मैं जब भी कोई कंडीशनर या शैम्पू यूज़ करती हूँ तो हेयर फॉल के लिए ही यूज़ करती हूँ, हेयर फॉल के लिए खरीदती हूँ। एंड मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ इस कंडीशनर को। एंड ये आपको बिल्कुल भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, एंड इसलिए मैं अपने लिए बाय करती हूँ। और हिमालय का आप सबको पता है यार, हिमालय के प्रोडक्ट हर्बल होते हैं, नेचुरल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, एंड इसलिए मैं इसे बाय किया है। एंड मुझे हिमालय के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड इसके बाद मैंने अपने लिए बाय किया है मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सीरम। तो ये डर्म डॉग का मॉइस्चराइज अंडर आई सीरम है। एक्चुअली क्या होता है, शूट करती हूँ तो जगना पड़ता है रात देर तक, एडिटिंग करते हैं तो मुझे थोड़े से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए बाय किया। और एक मेरे पास सीरम है, लेकिन उसे भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं, थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो इसलिए मैंने अपने लिए बाय किया, सोचा इसे भी यूज़ करके देखूँ। चलिए देन मैंने अपने लिए बाय किया है स्टे किर्की का लॉन्गर लव मेकिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये लूज पाउडर ही बोलते हैं ना, ये लूज पाउडर है, इसे मैंने बाय किया है। एंड ये कितने का है, 349 का है, एंड मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट में ये सारे प्रोडक्ट मिले हैं, एंड इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे। तो लूज पाउडर मुझे यूज़ करना था, एंड लूज पाउडर आप सबको पता है, लूज पाउडर आपके स्किन को इवन करता है, मैट फिनिश लुक देता है, एंड इसे मुझे यूज़ करना था, तो इससे इस पर भी भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने अपने लिए बाय किया। देन ये गाइस ये सो गाइज ये है एड गुडनेस का जैस्मिन शॉवर जेल, एंड मैं इसे फर्स्ट टाइम खरीद रही हूँ। इसके बहुत सारे इन्होंने लॉन्च किए हैं, 6-7 कुछ ऐसे लॉन्च किए हैं, एंड पहले ये बोतल में आता था तो आपको आसानी होती थी, अब ये पाउच में आता है इस तरह की, तो आपको किसी बोतल में इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक बोतल खाली है शैम्पू की, एल गुडनेस की शैम्पू है, उसकी बोतल खाली, मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। ये जैस्मिन वाला है, एंड ये एल गुडनेस का नीम शॉवर जेल, एंड ये नीम वाला है, एंड ये मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिले, 90 रुपीज़ का मिल गया है। एंड इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 200 इसकी क्वांटिटी है, तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड
ये मैंने दोनों अपने लिए बाय किए हैं। एंड एक मिनट गाइस रुको, मेरे पास एक और पार्सल है, इसी में मैंने मंगवाया था लेकिन वो अलग अलग शिपमेंट उसकी हुई थी तो वो भी दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। सो गाइस ये छोटू सा पार्सल में भी मुझे दो प्रोडक्ट अलग से रिसीव हुए थे तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपने लिए बाय किया है, ये है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड फेस वॉश। सो गाइज आपने मेरा फर्स्ट हॉल देखा होगा, फर्स्ट या सेकेंड, तो मैंने अपने लिए तब बाय किया था। ये पहला जो पैकेट था यानी कि ये ट्यूब था वो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने लिए सेकेंड बाय किया। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा एंड ये जेल बेस्ड फार्मूला है तो आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ये मैंने अपने लिए सेकेंड परचेस है मेरी, ये मैंने अपने लिए बाय की है। एंड देन इसके बाद मैंने, चलो गाइस जब ये क्या है, ये है डर्म डॉक का एंटी एजिंग फेस सीरम। तो ये एंटी एजिंग फेस सीरम है, इसे मैंने बाय किया है एंड ये 10 ml की आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी कि 25+ है तो आपको एंटी एजिंग सीरम यूज़ करना चाहिए, इससे आपको रिंकल एंड फाइन लाइन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। सो गाइज ये था पर्पल हॉल, आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये पर्पल हॉल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड ये जो पर्पल के प्रोडक्ट है इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर देना। और ये मेकअप प्रो आपको पसंद आता है तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज अगर इन सारे प्रोडक्ट में से आपको अगर कोई रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर इन सब प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी। एंड अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।